एक्सरसाइज भी आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, आपको कोई क्वेश्चन दी जाएंगे, आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a² + bx + c, मतलब इस शक्ल में तब्दील करना है, ठीक है। अब क्या ये इस शक्ल में है, नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में ये भी बताना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये प्योर है, नहीं ये प्योर नहीं है। प्योर में क्या होता है, ये वाला कोएफिशिएंट जीरो होता है, अगर होता है x²-14 तो ये प्योर होगी, अदरवाइज ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, a+4/3-x/7=1। अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं। अब आपने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका समझा बनाया क्लास में, क्या करते हैं 7 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 21, अब आपने क्या करना है सबको 21 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबको 21 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गए 7, यहाँ बच गए -3, और ये आ गया 21। अब इसको सिंपलीफाई करो, ये बन गया 7x² + 28, ये बन गया -3x, 21 को लेफ्ट साइड ले लो, क्या हो गया माइनस हो गया। अब आप इसको सिंपलीफाई करो, 7x² - 3x, 28 माइनस कितना बचेगा +7, ये क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, x² + 1 का एलसीएम क्या आ गया x² + 1, तो बोथ साइड्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं x² + 1 के साथ, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपने x² + 1 के साथ, यहाँ से देखो x + 1 कैंसिल, x कैंसिल, x + 1 का होल स्क्वायर, ये अभी अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर, ठीक हो गया। हाँ उसको सॉल्व करो, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करो, a² + 2ab + 3² ये क्या बना 6x² + 6x - 6x2। अब इसको ऐड करो, x² + x² कितना हो गया 2x² - 6x2 क्या बचा -4x - 6x + 2x - 4x और क्या बचा प्लस का। अभी भी सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकालो, मतलब माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये -± प्लस हो जाएगा, ये -± प्लस, ये +±, ठीक है। अब क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, सिंपल। अब इसमें भी देखो x - 2x, इन दोनों का एलसीएम लिया, x·x − 2 आ गया, तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया x·x − 2 से, सबको मल्टीप्लाई करते हैं x·x − 2 से, ये आपने सबको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ x·x − 2। इसका फायदा क्या होगा, एक ही स्टेप में आपके फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, ये कैंसिल, अब हमारी फ्रैक्शन खत्म हो गई, अब सिंपलीफाई करेंगे x² + 4x, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करो a² - 2ab + b² - 4x² - 8x, तो अब आप ये जो माइनस है ना इसको मल्टीप्लाई करो, अच्छा देखो क्या करता है x² + 4x, अच्छा +4x, 8x, 8x - 8x क्या रह गया, ठीक, ओके समझ आ गई बात, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 पे डिवाइड करते हैं, ये बात बस पूछते हैं, अब बताओ क्या ये प्योर है, यस, क्या लिखेंगे, ये देखना प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला तो क्या करेंगे एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई, x+4 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, ये वैसे रहेगा, यहाँ पे बचा ये और ये होनी, अब हम इनको करेंगे सॉल्व, x² + x² - 5x और +4x क्या हो जाएगा -6, ठीक हो गया 4·−5 ये हो जाएगा -8, इसको मल्टीप्लाई करते x² + 4x, अब ये जो माइनस है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ये प्लस ये भी प्लस, इनको लेफ्ट साइड ले लो माइनस, अब यहाँ से देखो x² कैंसिल, 8 - x² - 3x कितना आ गया 4x - 4x ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये रह गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, अच्छा ये भी क्या है, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, 12x + 3x
तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ ठीक है सबको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ लेफ्ट हैंड साइड में कैसे ये हमारा ओके प्लस ठीक हो गया यहाँ से क्या एक्स प्लस टू क्या बचा 12 बचा एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन यहाँ से एक्स प्लस थ्री कैंसिल एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये 12 कैंसिल हो जाएगा ठीक है हम सिंप्लीफिकेशन करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इसका स्क्वायर एक्सपेंड ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस थ्री स्क्वायर 25 इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स अब इनको ऐड करो 12x² 24x² 48x 96 36 + 86 14 इनको लेफ्ट साइड ले भी आ गया अब इसमें से ही माइनस करो 15 में से 6 नौ 11 में से 29 10 में से 4 6 6 तो ये अब सब के नेगेटिव आ रहे हैं नेगेटिव क्या ये प्योर है